सांटियागो एक शेपर्ड लड़का था जो एंडलुसिया स्पेन में रहता था। उसको फ्रीडम बहुत पसंद था और वो अपनी बकरियों के साथ इधर से उधर जाता रहता था। उसके दिमाग में एक लड़की के ख्याल चल रहे थे जिससे वो एक बार तरीफा में मिला था। वो फिर तरीफा जा रहा था उस लड़की से मिलने की कोशिश करने के लिए। अब तरीफा के रास्ते में जब रात हो गई तो उसने सोचा कि वो आराम कर लेता है रात में और फिर वो सुबह में आगे बढ़ेगा। तो उसको एक सुनसान चर्च दिखा और उसने सोचा कि वहीं पे वो रात गुजार लेगा। उसने अपनी भेड़ बकरियों को चर्च में रख दिया और एक सिकमोर ट्री के नीचे जाके वो सो गया। अब वहां पे उसको एक सपना आया। अपने सपने में उसने देखा कि इजिप्ट में पिरामिड्स के नीचे बहुत सारा खजाना भरा हुआ है और वो खजाना सांटियागो को अपनी तरफ बुला रहा है। अब ये सपना देख के एकदम से सांटियागो उठ गया और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब सांटियागो ने ये सपना देखा था। तो उसने सोचा कि चलो इस सपने का मतलब क्या है ये किसी से पूछ लेता हूँ। तो वो एक औरत के पास गया जो फेमस थी लोगों को उनके सपने का मतलब बताने के लिए। तो उस औरत को जब उसने अपने सपने के बारे में बताया तो उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हें इसका मतलब बता तो दूंगी लेकिन जब तुम्हें खजाना मिल जाएगा तो मुझे उसका तुम 1/10 हिस्सा दोगे। अब सांटियागो ने सोचा चलो ठीक है 1/10 तो मैं किसी को भी दे सकता हूँ और अगर मुझे खजाना मिल जाए तो ये डिजर्व करती है। तो उसने कहा चलो मैं तुमको दे दूंगा तुम मुझे इसका मतलब बताओ। तो उस औरत ने बताया कि तुमको इजिप्ट जाना पड़ेगा और सच में वो पिरामिड्स के नीचे ट्रेजर तुमको मिल जाएगा। अब सांटियागो ने सोचा कि यार ये तो मुझे कोई भी बता सकता है, पता नहीं ये सच बोल रही है नहीं, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो इसीलिए वो शहर चला गया और वो बेंच पे बैठे कुछ सोच रहा था। एकदम से एक बुढ़ा आदमी आया उसके पास। उस बुढ़े आदमी ने बोला कि मेरा नाम मेलची जेदेक है और मैं सालेम का राजा हूँ। अब सांटियागो ने उसको थोड़ा इग्नोर किया क्योंकि वो बहुत ख़राब कपड़े पहना था और उसको लग रहा था कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन फिर एकदम से उस आदमी ने बोला कि मैं तुम्हें उस खजाने को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। उसने कहा कि हर किसी की लाइफ में एक पर्सनल लेजेंड होता है जो उनको फॉलो करना चाहिए और जब आप उस पर्सनल लेजेंड को फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको मदद करेंगी उस जर्नी में। और उस बुढ़े आदमी ने सांटियागो से कहा कि तुम अपने भेड़ बकरी बेच के जाके अपना पर्सनल लेजेंड फॉलो करो। अब सांटियागो इतना श्योर नहीं था लेकिन उस बुढ़े आदमी ने उसको कन्विंस कर लिया और सांटियागो ने भी सोचा चलो ये एक एडवेंचर हो जाएगा और उसने अपने भेड़ बकरी बेच दिए, पैसे जमा कर लिए और वो एक शिप पे चला गया जो अफ्रीका जा रही थी। यहां से सांटियागो की जर्नी शुरू हो गई। अब सांटियागो पहुंच गया टैंजियर्स में जो मोरक्को में एक शहर है और वहाँ पे जैसे ही वो पहुँचा उसके सारे पैसे किसी ने चुरा लिए। अब वो परेशान तो हो गया लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने मिशन पे आया हूँ, मैं अपना मिशन पूरा करके जाऊँगा। वो एक क्रिस्टल मर्चेंट के पास गया जो अपनी शॉप में क्रिस्टल बेच रहे थे और उसने कहा कि मैं आपकी दुकान के क्रिस्टल साफ कर दूंगा, इससे ये थोड़ा और बिक भी जाएंगे और आप मुझे बस खाना दे दीजिएगा। तो जैसे ही सांटियागो ने उसके क्रिस्टल साफ किए एकदम से लोग आने लगे और वो क्रिस्टल खरीदने लगे। तो उस मर्चेंट ने सोचा क्यों ना मैं इसको जॉब ही दे दूँ। तो वहाँ पे उस क्रिस्टल मर्चेंट की दुकान में सांटियागो जॉब करता था और धीरे धीरे वो नए नए बिजनेस आइडियाज़ लाता गया, नए नए तरीके वो और क्रिस्टल बेचने के लिए। धीरे धीरे अच्छी खासी उनकी सेल्स बढ़ गई और सांटियागो को भी अच्छे खासे पैसे मिल गए और वो मर्चेंट भी अमीर हो गया। लेकिन तब भी सांटियागो को अपना मिशन याद था। तो जैसे ही उसने सुना कि सहारा डेजर्ट क्रॉस करके इजिप्ट जाने वाला है कैरावान निकलने वाला है तो वो भी उस क्रिस्टल मर्चेंट को अलविदा कह के अपने जर्नी की तरफ बढ़ गया। उस कैरावान में उसको एक इंग्लिश आदमी मिला जो एक एल्केमिस्ट को ढूंढने जा रहा था और उस इंग्लिश आदमी ने बोला कि वो एल्केमिस्ट इतना ताकतवर है कि वो तांबे को सोने में बदल सकता है। तो सांटियागो और उस इंग्लिश आदमी की दोस्ती हो गई क्योंकि वो दोनों अपने अपने मिशन पे जा रहे थे। अब वो लोग जब उस कैरावान में डेजर्ट को क्रॉस कर रहे थे तो धीरे धीरे एक अफवाह उड़ने लगी कि एक जंग होने वाली है डेजर्ट में और सब लोग अच्छा खासा डर गए। तो उस कैरावान ने डिसाइड किया कि रिस्क लेने से अच्छा है एक ओएसिस है डेजर्ट के बीच में जिसका नाम है अल्फायूम, वहाँ पर हम लोग रुक जाते हैं जब तक ये जंग ख़त्म ना हो जाए। अब ये जंग हफ्तों से लेके सालों तक चल सकती है, कोई गारंटी नहीं है कब ख़त्म होगी। तो सांटियागो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया कि पता नहीं मैं कब पहुँच पाऊँ पिरामिड्स, लेकिन तब भी उसने हार नहीं मानी। अब वो लोग जैसे ही उस ओएसिस में पहुंचे उस इंग्लिश आदमी ने एल्केमिस्ट की ढूंढ शुरू कर दी और सांटियागो उसकी मदद कर रहा था। अब एक लड़की उनको मिली जिसका नाम था फातिमा जिसने उनको एल्केमिस्ट का पता दिया। अब उनको इन्फॉर्मेशन तो मिल गई एल्केमिस्ट की लेकिन सांटियागो को उस लड़की से प्यार भी हो गया। तो सांटियागो रोज जाके एक वेल के बगल में अपनी फातिमा से मिलता था और वो इंग्लिश आदमी एल्केमिस्ट के पास चला गया। एल्केमिस्ट ने उस इंग्लिशमैन से पूछा कि तुम मुझे 10 साल से ढूंढ रहे हो, क्या तुमने कभी खुद कोशिश की तांबे को सोने में बदलने के लिए? इंग्लिशमैन ने बोला नहीं।
तो अल्केमिस्ट ने उसको असाइनमेंट दे दिया कि तुम खुद से कोशिश करो लेड को गोल्ड में बदलने के लिए। तो इंग्लिश मैन अब बिजी हो गया और सांटियागो को उसकी फातिमा मिल गई थी। एक दिन जब डेजर्ट में सांटियागो जा रहा था, एकदम से उसको एक विजन आया। उसने एकदम से ये देखा कि ओएसिस पे कोई अटैक करने वाला है और एक जंग होने वाली है। अब उसने जाके ओएसिस के सरदार को बता दी ये बात। अब वहां के सरदार ने बोला कि हम लोग तैयारी तो कर लेंगे, लेकिन अगर जंग नहीं होगी तब हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। अब सरप्राइज की बात यह कि अगले दिन असली में एक आर्मी ने अटैक कर दिया और वो लोग उस आर्मी को हरा पाए थे क्योंकि वो लोग तैयारी कर चुके थे। तो वहां का चीफ बहुत खुश हो गया और उसने सांटियागो को बहुत ज्यादा सोना दे दिया और उसको वहां का काउंसलर बना दिया। अब सांटियागो बहुत खुश हो गया था। उसने सोचा कि यार मुझे जॉब भी मिल गई है और मेरे पास अच्छा खासा सोना भी है, अब मैं यहीं पर फातिमा से शादी करके जिंदगी भर रह सकता हूँ। लेकिन फिर फातिमा ने उसको बोला कि सच्चा प्यार कभी भी तुम्हें अपने सपने से दूर नहीं रखेगा। तो उसने कहा कि वो उसका इंतज़ार करेगी, लेकिन उसको अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए। अब उसी शाम को अल्केमिस्ट सांटियागो को मिल गया और अल्केमिस्ट ने तो सुना ही था कि सांटियागो को विजन आए थे जिसने उस ओएसिस को बचाया था। तो अल्केमिस्ट ने भी कहा कि तुमको अपने ड्रीम्स फॉलो करने चाहिए और तुम चलो मेरे साथ पिरामिड्स की तरफ। तो वो दोनों पिरामिड की तरफ चलने लगे। अब रास्ते में ही कुछ गुंडों ने उनको पकड़ लिया और उन्होंने सांटियागो से सोना छीन लिया और फिर वो उनको मारने वाले थे, लेकिन एकदम से अल्केमिस्ट ने बोला, अरे तुम जानते नहीं हो ये कितना बड़ा जादूगर है, ये एकदम से अपने आप को हवा में बदल देगा और तुम सब लोगों को उड़ा देगा। तो अब वो सब लोग हंसने लगे। वो लोग कहने लगे, चलो तुमको 3 दिन देते हैं हम लोग, अगर 3 दिन में इस लड़के ने अपने आप को हवा में बदल लिया तो हम लोग तुमको छोड़ देंगे, वरना हम लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। अब सांटियागो बड़ा डर गया। उसने अल्केमिस्ट से बोला, यार तुमने तो हम लोगों को मरवा ही दिया, मैं कहाँ अपने आप को हवा में बदल सकता हूँ। अब अल्केमिस्ट ने बोला, शांत रहो, तुम ये कर सकते हो, बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो और डेजर्ट की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। अब 2 दिन सांटियागो ने कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ। 3रे दिन वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था और उसने दिल से डेजर्ट को समझने की कोशिश की और एकदम से वो हवा में बदल गया और उसने सारे टेंट उड़ा दिए। ये देख के वहाँ के गुंडे बहुत डर गए और उन्होंने उन लोगों को छोड़ दिया। अब सांटियागो और अल्केमिस्ट एक मॉनेस्ट्री पे पहुंचे जहाँ पे अल्केमिस्ट ने तांबे को गोल्ड में बदला, सांटियागो को थोड़ा सा गोल्ड दिया और कहा कि यहाँ से तुम अकेले इजिप्ट की तरफ जाओ। तो जैसे ही सांटियागो पिरामिड्स के सामने पहुंच गया और उसने खोदना शुरू किया, एकदम से कुछ और गुंडे आ गए, उन्होंने सांटियागो को मारना शुरू किया और उन्होंने उससे सोना छीन लिया। अब सांटियागो ने अपने होश खो दिए और वो एकदम से अपनी कहानी बड़बड़ाने लगा और उसने बोल दिया कि उसने एक सपना देखा था इसलिए वो इजिप्ट आया था। एकदम से वो गुंडे हंसने लगे। एक गुंडे ने बोला कि अरे ये तो पागल आदमी लगता है, अपने सपनों के बारे में इस तरीके से कौन सोचता है, मैंने भी एक सपना देखा था कि स्पेन में एक सुनसान चर्च में एक सिकमोर ट्री के नीचे बहुत सारा खजाना भरा हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ी अपने सपनों को फॉलो किया, मैं इसकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। और वो लोग उसको छोड़ के हंसते हंसते चले गए। एकदम से सांटियागो को समझ में आ गया कि असली खजाना कहाँ था। वो वापस स्पेन गया और उसने सिकमोर ट्री के नीचे खोदना शुरू किया और वहीं पे उसको खजाना मिल गया। फिर सांटियागो ने सोचा कि वो 1/10 जो उसने प्रॉमिस किया था उस औरत को दे देगा और वो वापस डेजर्ट में जाके फातिमा के साथ रह लेगा। यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म हो गई। तो मेरे हिसाब से इस स्टोरी से आप 3 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स ले सकते हैं। पहला है कि खजाना वहीं है जहां आप हैं, लेकिन आपको बाहर जाना पड़ेगा ये समझने के लिए। खजाना तो वहीं था जहां सांटियागो की जर्नी शुरू हुई थी, लेकिन वो उसको कभी ढूंढ नहीं पाता अगर वो पूरी अपनी जर्नी नहीं कंप्लीट करता। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी जब भी हम लोग किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो असली खजाना वो नहीं होता जिसको हम लोग ढूंढ लेते हैं, असली खजाना वो होता है जो इंसान हम लोग खुद अंदर से बन जाते हैं। हमारी लाइफ भी अल्केमिस्ट की कहानी की तरह है जहां पे हम लोग अपने आप को लेड से गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है, कभी भी मत रुको। काफी चीजें गलत हुई सांटियागो के साथ और किसी भी पॉइंट पे सांटियागो रुक सकता था और बोलता कि यार मैं वापस स्पेन जा रहा हूं, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। इसीलिए लाइफ में जब भी कुछ हो अपने सपनों की तरफ बढ़ना मत रोको। कभी कभार थोड़ी देर के लिए पॉज करना पड़ सकता है, जैसे सांटियागो उस मर्चेंट की दुकान में 1-2 साल काम किया, लेकिन तब भी उसको अपना मिशन याद था और जैसे ही मौका मिला वो अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ने लगा। यही चीज़ हम लोगों को भी करनी होगी। और तीसरा पॉइंट है, अपने दिल की आवाज़ सुनो।
पूरे बुक की थीम यही थी कि अपने दिल की आवाज़ सुनो। हाँ, आपका दिल कभी कभी आपको मुश्किल में डाल सकता है, कभी कभी आपकी जर्नी इतनी आसान नहीं रहेगी, लेकिन जब तक आप उसकी सुनेंगे आप कभी ना कभी अपने सपनों को पा लेंगे और वही जर्नी आपको पूरी तरीके से बदल देगी। तो दोस्तों प्लीज़ अपने दिल की आवाज़ सुनिएगा और हाँ, मेरे दिल की भी आवाज़ सुन लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ कि आप ये बुक पढ़िए, क्योंकि उन बुक्स में से है जो मुझे लगता है हर किसी को पढ़नी चाहिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही और मैं आपसे थर्सडे की वीडियो में मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।